नगरपालिका सीकरी में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज राजस्थान। खबर है सीकरी से। नगरपालिका सीकरी में खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। किसानों की शिकायत थी कि 1350 रुपए के डीएपी खाद का कट्टा 1950 रुपए में बेचा जा रहा है। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डी जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एसडीएम सृष्टि जैन, तहसीलदार नीतीश गोयल और एसएचओ मुकेश कुमार ने टीम के साथ 10 गोदामों पर छापा मारकर सील लगाई। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यवाही की गई। कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर से मांग की गई कि खाद का उचित मूल्य पर वितरण किया जाए और कालाबाजारी करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। यह थी हमारे रिपोर्टर सीकरी से जयराम सैनी की स्पेशल रिपोर्ट। बने रहें केएस न्यूज राजस्थान के साथ और जुड़े रहें ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ। जमींदार के लिए जो सरकारी जो रेट है उसी रेट में सबको दो, और ये स्टॉक है, दो दिन के लिए फसल पूरी है, दो दिन के लिए खाद कटर किसी को जरूरत नहीं है। आप तो आते हैं हमारे ऊपर जला रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम जरूरत नहीं करेंगे। परेशान है कल से, और उनको खाद नहीं मिल रही, जमींदार परेशान है। हमारे पास लड़ाई किसी से नहीं है, किसानों के हाथ में काम होना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। आपका भाषा का श्रीमान जी ये उपयोग है, इसका मतलब एक व्यापारी मान सिंह यही बात है। सबसे पहले आपका लक्ष्य एक है, पहले हमको कार्रवाई पर कर लो, ठीक है। ये तो ऑफिसर में तो डांट क्या, हमारा हक है किसानों को उचित रेट पे डीएपी मिले, यदि नहीं होगा, अभी तो सील ही हुई है, हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आप जो साहब के रहने 1 महीने 1000 रुपए।